हेलो फ्रेंड्स, मेरे सौभाग्य किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे बेल का शरबत। गर्मी में रामबाण है बेल का शरबत। बेल के बहुत सारे फायदे हैं। बेल हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ठंडक भी देता है और इससे कैंसर से भी बचाव होता है। खून साफ करने में भी मददगार होता है बेल। दिल से जुड़ी बीमारियों से भी बचाव में सहायक होता है बेल। तो चलिए, इस बेल के फायदे तो हमने जान लिए हैं, अभी हम बनाते हैं बेल का शरबत। बेल का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेल। बेल देखिए हमारा अच्छे से पका हुआ है। अब हम इसमें से पल्प निकालेंगे। अगर आपको लगे कि इसका पल्प थोड़ा हार्ड है तो आप इसे पानी में थोड़ी देर आधा घंटे के लिए रख दें। मेरा बेल अच्छे से पका हुआ है इसलिए मैं अच्छे से इसका पल्प निकाल लूँगी और तुरंत ही इसे बनाऊँगी। बेल का सारा पल्प मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे लिया है 1 लीटर पानी। पानी में हम सारा पल्प डाल देंगे। पल्प को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। हाथों को अच्छी तरह से साफ कर ले तभी ये मैश करें। मैंने देखिए इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसे छान लेंगे। यहाँ पे लिया है एक बर्तन, इसके ऊपर रखी है छन्नी। छन्नी में से हम इसे छान लेंगे। छन्नी में से हम इसे छान लेंगे ताकि जो भी जूस है वो नीचे अच्छे से गिर जाएगा और ऊपर जो बीज है और रेशे ऊपर रह जाएंगे। अब हम इसे छन्नी में से छान लेंगे। देखिए मैंने बेल के जूस को छन्नी में से छान लिया है। मैंने इस तरह इसे रखा है। आपको अगर इसे थोड़ा सा ज़्यादा पतला रखना है तो आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। इसमें पहले से ही मिठास होती है इसलिए ज़्यादा शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर। आप चाहे तो इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे काला नमक। स्वाद के अनुसार काला नमक डालेंगे। काला नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसे ज़रूर डालें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तैयार है हमारा बेल का शरबत। हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप भी इसे बना के देखिए। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।